सर पर बच्चों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो चार में 112 का डिवाइड कैसे करें, चलिए शुरू करते हैं। किस में डिवाइड करना है, चार में किसका करना है, 112 का। 112 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 112 से बड़ी हो। क्या 112 से बड़ी है, नहीं है, तो हम यहाँ एक काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ जीरो लिख देंगे। अब क्या 112 से बड़ी है, नहीं है। यदि अभी भी 112 से बड़ी नहीं है, पॉइंट लेने के बाद भी, देखिए डिवाइड में हम एक टाइम में एक स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप हमने कैसे कर दिया, पॉइंट लिया, जीरो लिख दिया, एक स्टेप पूरा हो गया। अब हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब यदि 112 से छोटी है तो फिर भाग कितनी बार जाता है आपका, जीरो बार। कितना मिलता है, जीरो मिलता है। फिर घटाया, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो जो घटाते संख्या आएगी उसके साथ हम एक जीरो लिख देते हैं। अब जैसे 112 को हम एक से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 400 से बढ़ाना है। जैसे मैं इसको गुणा करता हूँ 3 से, फिर हम इसको घटाते हैं, कितना आ गया, ये उधार देगा इसको, ये आगे उधार दे देगा, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 6। पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ जीरो आ गया, ओके। अब इसको जैसे हम 5 से गुणा करते हैं, कितना आ गया, 10, 6, 5। फिर इसको माइनस करना है और ऐसे करके आपका डिवाइड आगे चलता रहेगा। माइनस करते जो संख्या है उसके साथ पॉइंट लगा रखा है तो जीरो लिख देंगे। ये आपका क्या बन गया, भागफल कितना आ रहा है, 0.035। धन्यवाद।